मैं एहसानुलहक मलिक पसमांदा समाज से ये अपील करूंगा कि विगत 70 वर्षों से धर्म के ठेकेदार, मसलक के ठेकेदार और दलाल नेता पसमांदा समाज को गुलाम बनाए हुए हैं और कभी भी ये पसमांदा समाज को इकट्ठा नहीं होने देंगे, क्योंकि आज भी पसमांदा समाज पर मसलक के ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार, दलाल नेता हावी हैं। अब पसमांदा समाज को ये सोचना है कि अगर वो उनको इस देश में तरक्की करना है, संवैधानिक अधिकार लेना है, तो उन्हें इन तमाम धर्म के ठेकेदार, दलाल नेताओं को का बहिष्कार करके ही वो एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। हमें उम्मीद है कि पसमांदा मुसलमान एक साथ मिल करके एक बेहतर व्यवस्था बनाएगा और अपनी ताकत को एहसास दिलाएगा सरकार को। अगर ये ऐसा नहीं हो पाया तो आज मुसलमानों का वजूद ख़त्म हो रहा है, कल यही ये भी ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरी खास करके पसमांदा मुसलमानों से ये अपील है कि वो एकजुट होकर के अपनी एक ताकत बनाएं, तभी हम अपने तमाम उन संवैधानिक अधिकारों को ले सकते हैं। खुदा हाफिज़।